सो गाइस, ये क्वेश्चन 2019 सीपीएसआई 2003 में पूछा गया। गाइस, एक रिक्वेस्ट करूंगा यार, वीडियो को सब्सक्राइब करो अगर अच्छा लगता है आपको। थोड़ा सा भी, बहुत मेहनत करता हूँ, क्वेश्चन सेलेक्ट करता हूँ, डालता हूँ, तो आप लोग वीडियो को जरूर, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, फ्यूचर में आपको मदद ही मिलेगी इससे। तो चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं। इफ द रेडियस ऑफ अ स्फेयर, स्फेयर क्या होता है? एक गोला होता है, ठीक है, गोला, धरती हमारा गोला है, उसी टाइप का स्फेयर होता है। उसका जो रेडियस है, उसका जो, देखो यहाँ पे सरफेस एरिया की बात हो रही है, सरफेस एरिया इंक्रीज, तो जो सरफेस एरिया होता है किसी भी गोला का, वो होता है 4 पाई आर स्क्वायर। ये एक गोला का सरफेस एरिया, यानी कि बाहरी हिस्सा अगर पेंट करोगे तो 4 पाई आर स्क्वायर उसका एरिया हो जाएगा। बोल रहा है कि द रेडियस इंक्रीज बाई टू। समझो कि इसका जो रेडियस, पहले जो इसका सरफेस एरिया था इतना था, लेकिन अब अगर रेडियस इंक्रीज हो जाएगा तो r+2 हो जाएगा और इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। इस रेडियस इंक्रीज होने के चलते जो सरफेस एरिया था वो इंक्रीज बाई इतना, यानी कि सरफेस एरिया पहले कितना था, 4 पाई आर स्क्वायर, अब कितना से इंक्रीज होगा, 352। वेरी गुड। ये अजीब टाइप, जलेबी टाइप का लिखा रहा, पर आप लोग इस पे ध्यान मत दो। आप लोग मतलब मेरी बात को समझो यार, ये जलेबी पे ध्यान दोगे तो गड़बड़ हो जाएगा कहानी। ये पाई है, ठीक है, और यहाँ हो जाएगा r² + 4 + 4r। ओके, अगेन दिस विल बी सेम, लिखने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे 4 पाई r² + अगर मैं यहाँ पे 4 16 पाई कर दूं तो कोई दिक्कत है? यहाँ पे 16 पाई r कर दूं तो कोई दिक्कत है? नहीं होना चाहिए कोई दिक्कत। इक्वल टू, यहाँ पे देखो 4 पाई r² और +352, यहाँ से ये कट जाएगा, और यहाँ पे अगर 16 पाई कॉमन ले लूँ मैं तो क्या बच जाएगा, यहाँ पे 1 + r = 352। ओके, अच्छा, अगर यहाँ पे अगर पाई का वैल्यू यहाँ पे पुट किया जाए, तो थोड़ा मैं यहाँ पे मिटा दे रहा हूँ ये सब चीज़ें, यहाँ पे कर रहा हूँ मैं। अगर मैं यहाँ पे डायरेक्ट ऐसे लिखूँ 1 + r = 352 × 7/2, देखो पाई का वैल्यू मैंने उधर साइड ले गया तो पाई उल्टा हो जाएगा उधर जाके, × 1/16, क्योंकि 16 भी उल्टा हो जाएगा जो 16 है। तो यहाँ से होगा तो 22 से 22 बार में ये कट जाएगा, नो नो नो, 16 से 22 बार में कटेगा, सॉरी, तो 22 से 1 बार में ये कट जाएगा, और ये हो जाएगा 7, 1 + r = 7, 1 + r = 7, तो r = 6। दिस इज द आंसर। ओके, सो दिस इज द आंसर, डन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन।